मैं सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचा, पर्दे नीचे थे, ये चिड़िया का पैर यहीं पर बैठा हुआ था, इनको ये जगह पसंद आ गई और इन्होंने अब यहीं पर नेस्टिंग करनी है। जब मैंने पर्दे ऊपर किए तो ये फिर से आकर बैठ गए और अभी यहाँ से ना इस तरफ निकल गए। डक्स के लिए पूल में इतना सा पानी काफी है, इसको बंद करते हैं और अभी डक्स को निकालते हैं। चलो जी तुम आ जाओ, सबसे ज्यादा शोर ये करते हैं। अभी लैला मजनू की बारी है, चलो चलो अंडे। ओए कितने ज्यादा अंडे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंडे हो चुके हैं लैला मजनू के। सामने बिल्ली बैठी हुई है कबूतरों को शिकार करने के लिए, इसने मुझे देख लिया है तो अभी शायद ये वापस चली जाए। और इस तरफ देखें मुर्गियां दोनों फूलों को खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यार बिल्ली नीचे उतर चुकी है तो ऐसे मेरे कबूतरों को डराएगी, इससे पहले कि कबूतर डर जाए मैं उसको जाके डराता हूँ। बिल्ली किधर गई, नीचे उतरी हुई है, आएगी सामने या फिर मुझे देख के दोबारा से भाग जाएगी। किधर है किधर है किधर है, निकल गई वो पहले ही यहाँ से ना, शायद इस तरफ को निकल गई है, लेकिन ये दोनों अभी तक इधर ही हैं। अली ये फूल खाती हैं यार, सारे पौधे इन्होंने ख़राब कर दिए हैं। चलो नीचे उतरो, ये देखें ये सारा पौधा ये खा गई है। और पीछे हट जो यार, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ ना तुम मुझे तंग करना शुरू कर देते हो। यार आज सबसे पहले तो हमें जावा को देखना है, ये दोनों अंदर तो जा रही हैं। देखिए एक अंदर है, दूसरी बाय स्टिक पे बैठी हुई है। अब ये कंफर्म नहीं पता ये मेल फीमेल है, दोनों मेल हैं या फिर दोनों फीमेल हैं, तो एक दफ़ा अंदर देख लेते हैं। हो सकता है इन्होंने, क्या पता इन्होंने अंडे दे ही दिए हों। यहाँ से देख लेते हैं, ये देखें अंदर तो ये जा रही हैं लेकिन अभी तक अंडे नहीं आए। और एक जावा अंदर ही है, दूसरी जावा किधर की, वो सामने जाकर बैठ गई है। शुक्र ये वाला दरवाज़ा बंद था वरना इसने बाहर भाग जाना था। ये मुझे फीमेल लग रही है, कोई बात नहीं जो भी है, पर जल्दी से अंडे दे दें। पता नहीं आज किस बेचारे के सारे अंडे फेंक दिए गए हैं। एक अंडा ये तो बच गया, ये देखिए बिल्कुल साबित उसी तरीके से, ये छोटे छोटे चूंचे लगी हुई हैं लेकिन ये खुद इन्होंने मारी होंगी, ऊपर से किसी ने फेंक दिए होंगे। एक उस तरफ पड़ा हुआ है और बाकी ये खा गए। ये देखें नीचे छिलके पड़े हुए हैं, तोड़ के ना सारे खा गए। मिठू आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फीमेल आ गई है लेकिन इसको यहाँ पर नहीं देते, ये बुढ़ी चलाओ के ऊपर चली जाती है। आ जाओ ये तुम भी आ जाओ आ जाओ। आएगा आएगा, अब कहाँ से उतरेगा वो, इतना लंबा सफ़र करके आएगा, पहले जाली के पास जाएगा उसके साथ लग जाएगा। हम इसको यहीं पर फेंक देते हैं, खुद ही खा लेगा। तुम एक और ले लो, तुम ये दो ले लो। ये वाली जो फीमेल है ना इसने अब बहुत जल्द आज कल में ना दोबारा से अंडे देने हैं। और ये बार बार इस मटकी के अंदर जाती है और जितना भी अंदर कचरा है ना इस सारे कचरे को ये बाहर निकाल कर इस तरफ फेंक रही है। बच्चे अंदर 4 हैं और काफ़ी बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह से, और अगर 1-2 दिन तक बच्चे बाहर नहीं आए तो ये वाली फीमेल ज़बरदस्ती इन बच्चों को मार के बाहर निकाल लेगी। और अगर 1-2 दिन तक ये खुद ना आए ना तो फिर मैं खुद इनको निकाल दूंगा, ऐसा ना हो माँ इनको कहीं मार ही ना दे। कितने नंबर रोक था? 3 नंबर। 3 नंबर इसी के अंदर बच्चे थे, बस इसको उतार के ना एक दफ़ा देख लेते हैं। 2 बच्चे थे इसके अंदर, अब पता नहीं कितने बड़े हो चुके हैं। अब मैं आया हूँ इस तरफ, मैंने सोचा है कि आपको ये भी दिखा देते हैं क्योंकि मैं बहुत कम आता हूँ कॉलोनियों के अंदर, परिंदे डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इसलिए कभी कभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मेल फीमेल कोई था, निकल गया बच्चे। वो यहाँ पर तो अंडे हैं 3, क्या पता नहीं तीनों अंडे हैं, बच्चे हैं ही नहीं। बच्चे किधर गए, कहीं मर तो नहीं गए, इन्होंने मार तो नहीं दिए। सर बच्चे यहाँ पर नहीं है, देखे 2 ताज़े अंडे और 1 अंडा पुराना वाला। यार पता नहीं इन्होंने बच्चों को क्या किया, बच्चे बड़े तो नहीं हो गए, क्या पता बाहर निकल आए होंगे। यार यहाँ पर देखना पड़ेगा लेकिन इतनी जल्दी वो बड़े तो नहीं हो सकते, 2-3 बच्चे बाहर आए जरूर हैं लेकिन पता नहीं यार इन्हीं के बच्चे थे या किसी और के थे। अब यहाँ पर तो 2 ताज़े अंडे पड़े हुए हैं और 1 ये पुराना वाला है। खैर यहीं पर दोबारा से रख देते हैं, ये देखें अब यहाँ पर वो बच्चे भी नहीं है। पता तो चले ना, अगर मरे होते तो यहीं पर होते लेकिन नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह करे यहीं पर कहीं आ गए हों। देखो कोई बच्चा है सामने, एक ये है। हाँ ये सामने बैठा हुआ है, ये उड़ा इस तरफ भी आया है। तो फिर मेरे हाल में 2 बच्चे बॉक्स में से निकल के ना ऐसे बाहर आ गए होंगे। अभी मैंने मटकी को निकाला साफ करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ बच्चे माशाल्लाह से कितने ज़्यादा हैं, 5-6 बच्चे हैं इसके अंदर, ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा दे रहे हैं। और इसके अंदर भी आपको दिखाता हूँ, ये देखें टोटल 6-5 बच्चे हैं और इनका बाप ना उस तरफ निकल गया। आओ अपने बच्चों के पास आ जाओ, ये हैं, चलो 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 जल्दी करो टाइम नहीं है, बैठो ना तुम्हारे बच्चे हैं। डर रहे है। ज़्यादा नहीं डरता मैं इसको पकड़ करना, चलो इसके घर में छोड़ देता हूँ। चलो ये देखें बिल्कुल काटता भी नहीं है माशाल्लाह, हमारे बजीज इतने प्यारे हैं बिल्कुल भी नहीं काटते। अभी मैं यहाँ से इसको छोड़ूंगा ना ये अपने घर के अंदर चला जाएगा, जाओ घर के अंदर घर के अंदर।
इधर जाओ ना यार, इनके माँ बाप को ना काफी देर से टेंशन लगी हुई है कि तुम्हारे बच्चों को कहाँ निकाल कर ले गया। मास्टर केज के अंदर मैंने कल घास जो डाला था ना, ये घास इन्होंने उठाया ही नहीं है, फिर मजबूरन मुझे खुद ही उठा करना इनके लिए नेस्टिंग बनाना पड़ी है। अभी ये नेस्टिंग के ऊपर बैठी हुई थी, देखें एक तो यहाँ पर है, एक ने ये वाली जगह पसंद किया और यहाँ से सारी नेस्टिंग भी उठा ली है। यहाँ पर भी मैंने नेस्टिंग रखी और एक जो बास्केट है ना ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसकी तार मुझसे टूट गई थी सुबह नेस्टिंग रखते वक्त। तो खैर तीन चार तो फालतू बना, यार ये बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती हैं, देखें ना कितना। अब तो यहाँ पर जगह भी कम हो गई है और एक इस तरह बैठी हुई है, तो अब हम ज़्यादा उस तरफ नहीं जाते, फिर ये ऐसे फड़फड़ाती हैं टकराती हैं तो फिर इनके लिए मसला ही बन जाता है। राजू मेरे साथ जाना है? मैं जा रहा हूँ, अगर जाना है तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मेरे साथ जाना है तो आ जाओ। नहीं जाना इसने, इसका मूड ठीक नहीं है। थोड़ी सी देर पहले मैं इस जगह पर बैठा हुआ था और राजू मुझे बुला रहा था, लेकिन राजू की मैंने सुनी नहीं है, तो अभी राजू थोड़ा सा गुस्से में इसलिए मेरे पास नहीं आ रहा, वरना मैं सोच रहा था कि मैं चारा लेने जा रहा हूँ तो इसको भी साथ लेके जाता। अली एक अंडा पड़ा हुआ है, किधर है? दो दो अंडे, ये दोनों वाइट जैपनीज के। यार इनका दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? खोल दिया करो, ये खुद ही अपने घर में चले जाएँ। छोटा एक बड़ा। कौन सा वाला छोटा है? ये वाला छोटा है, ये वाला छोटा है, देखो ज़रा दोनों एक जैसे हैं। मुर्गियाँ ही छोटी छोटी हैं तो अंडे भी छोटे छोटे ही देंगी। यार इनको मैंने देखा है ना अली, ये अंडे पकड़ो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, इनको मैंने सुबह से नोट किया है कि ये पक्के बैठे हुए हैं पेटी के अंदर, तो ऐसा तो नहीं इन्होंने कोई अंडा वगैरह तो नहीं दे दिया? मुझे तो दोनों मेल ही लग रहे हैं, अब पता नहीं। नहीं अंडा तो फिलहाल कोई भी नहीं है, लेकिन ये बैठे ऐसे हुए हैं ना, और ये भी यहाँ पर, ये क्या, ये तो उठ गया है, ये भी एक बैठा हुआ था, पता नहीं मेल था या फीमेल थी, लेकिन पेटी के अंदर था। इनका भी देख लेते हैं, अभी तक फिलहाल कोई अंडा इन्होंने नहीं दिया, लेकिन मेहरबानी है यार जल्दी जल्दी अंडे दो, और इस दफ़ा अंडा इनफर्टाइल नहीं होना चाहिए, उसमें से बच्चे निकलने चाहिए। क्या हुआ राजू हमारे साथ नहीं जा रहा? जैक तो हमारे साथ जाता है ना। अली क्या कर रहे हो? रस्सी से इसको बांधने की कोशिश की जा रही है, क्या बात है, ये पकड़ो, आएगा तुम्हारे पास, पकड़ना क्या, छोड़ दो ऐसे ही आ जाएगा। ओह आज ये नाराज़ है, आज ये खुद बाहर भी नहीं आया, इसको पकड़ के लाना पड़ा, अब पता नहीं हमारे साथ जाएगा या नहीं जाएगा। आ जाओ जैक, ये चला जाता है, ये ज़्यादा नखरे नहीं करता, जहाँ हम जाते हैं वहीं पर चला जाता है। इनको यहाँ पर क्यों बंद कर दिया है? यार ऐसी मुर्गियों को बंद कर दिया अली ने, और इन दोनों को अलग से कर दिया है कि इनका जल्दी से पैर लग जाए, ऐसे ही है ना, चलो क्या पता लग ही जाए, लेकिन उसको भी लेके जाना है। आ जाओ जैक, आ जाओ, आओ ना, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हम जा रहे हैं। अगर इसको यहाँ से ना लेकर गया ना तो ये ऊपर चला जाएगा, फिर गुम हो जाएगा। हमारे फार्म हाउस के जो एरों की खुदाई हुई थी ना, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं ना, तो सारी मिट्टी ये अंदर फेंक रहे हैं। तो आज मेरी मिस्त्री भाई से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि एक या दो दिन हमें और दे दो, हमारा दूसरी जगह से काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम यहाँ पर आकर काम अपना स्टार्ट कर देंगे। अली पकड़ो इसको। मारेगा, मारेगा, टक्कर मारेगा। ये वही वाला है ना, ये वो नहीं है, ये कोई नया वाला है, छोटे वाला। ये छोटे वाला क्या मतलब, ये जो नया वाला आया है वो है ना, ये एक दो दिन पहले आया था। नहीं यार ये काफ़ी बड़ा है, और देखो ये वही वाला है, ये वही वाला है, बड़ा हो गया काफ़ी माशाल्लाह से। आ जाओ, अब ये भी नहीं आता रहा, भाग गया। हमें पता चला है कि यहाँ पर ना एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा भी आया है, अली मेरे से पहले। ओए ओए क्या हो रहा है? अली को काट रहा है। नहीं 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 नहीं, काटेगा नहीं यार, ये काटता नहीं है, ये खेल रहा है तुम्हारे साथ। मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, चलो चलो शाबाश, काटो अली को, काटो काटो काटो, वो बस बस बस, इसको काटो, इसको काटो, अपने मालक को काटो, काटो अली को, अली भाग भाग के अली के पीछे जा रहे हैं। ओए मेरे पीछे भी आ रहा है, किधर किधर, यार ये कितना प्यारा है, ये नस्ल कौन सी है? ये अगवानी कुची। अगवानी कुची, ये कौन सी नस्ल है, पहली दफा मैंने सुने। किधर किधर किधर, यार इधर, चलो शाबाश शाबाश। यार ये देखे ना कितना प्यारा है, ये देखे माशाल्लाह। यार छोड़ो छोड़ो, ओए छोड़ो, काट लेगा काट लेगा, इसको खींचो ना यार। ओए मेरे, ओ यार मेरा ट्राउजर सारा खराब कर दिया। यार ये कौन सी पता नहीं अजीब सी नस्ल का है। ओए भाग, इसीलिए अली से भाग रहा था, मुझे तो अभी पता चला है अली क्यों भाग रहा था। यार ये काटने के लिए आता है अभी, है कितना, इतना छोटा सा। चलो चलो उस तरफ, वो रहा, जाओ 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 जाओ, अब भागो। ओए फिर उसके पीछे लग गया, ओ पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। ओए ओए यार इधर, इसको पकड़ लो पकड़ लो, ये कपड़े सारे, ओए उसने चुक्की डाल दियो यार, ये तो खतरनाक है। ये लो बाल ले लो, बाल ले लो, बाल ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वही बाल के साथ खेल रहे। यार ये खतरनाक है भाई साहब, हमें यहाँ से जाना चाहिए, अगर वो खुल गया ना तो पक्का काट लेगा। चारा उस तरफ अली लेकर चला गया, और हमारे बगीरा को भी डाल दिया है। हमारा जैक भाई के पास है, छोड़ दें,
वो चेक करेगा कि मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। मेरा जैक है ये, मेरे पास ही आएगा। आ जाओ, थक तो नहीं कि इतने दूर से उड़ के आए हो। चलो मेरे कंधे पे बैठ जाओ, अभी हम चलते हैं जी सीधा घर। अब्बू आकर सारी मुर्गियाँ भी निकाल गए हैं और हमारे राजा का एक पर जो है ना वो शायद इस साइड से टूट गया या फिर निकल गया है, अब ये नहीं पता। निकला है, टूटा है? टूटा है, तो फिर इसको पकड़ कर निकालना पड़े या फिर रहने देते हैं, जब खुद गिरेगा ना हम खुद ही ना उठा लेंगे। अगर हमने निकाला ना या तोड़ा ना तो फिर इसको और ज़्यादा दर्द होगा। रानी को देखें ना, उसकी दुम के ऊपर बैठ गया है। चलो ये डर रहे हैं, चलो रानी उस तरफ जाओ। ये देखें सारे बर्तन ऐसे टेढ़े मेढ़े कर देते हैं, इनको रोज़ाना डालते हैं दो दो दफ़ा। ओए हमने कुछ बोला? ये देखो ऐसे मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं। हम निकल जाते हैं, अबू इधर से भी कुंडी लगा कर चले गए हैं और जैक इधर डर रहे। बिल्ली 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 भाग गई। ये बिल्ली नहीं थी, ये तो बड़ा वाला बिल्ला था, किधर गया? ये बिल्ली बिल्ले की दुम नज़र आ रही है, भाग गया। नुकसान तो नहीं पहुँचाया ना, कुछ भी नहीं। ये अबू पहले ले आए थे हमसे, डाल गए हैं। ओए अंदर नहीं जाना, फिजेंट काट लेंगे। इसको डर भी नहीं लगता, किसी चीज़ से नहीं डरता। ओए अली अली, वो दरवाज़ा भी उसने बंद कर लिया। बाकी जो यार, एक तो ये मेरे हाल में छुपन छुपाई खेली जा रही है उसके साथ। यार निकालना जल्दी से इसको, पता नहीं अपने सारे कपड़े खराब कर लेगा, गंदे कर लेगा। किधर गया? निकालो इसको बाहर। इब्राहिम निकलो बाहर। किधर चला गया? चलो चलो बाहर निकलो, ऐसे नहीं आते, फिजन काट लेते हैं। ये दोनों पता नहीं कब से शुएब अख्तर और अनारकली के पीछे लगे हुए हैं। वो रहा शुएब अख्तर, और अनारकली तो छुप गई है डर से, उस तरफ चली गई है। नहीं करो नहीं करो, काटेंगे। अब वो उसके पिंजरे के पास चला गया। मतलब यहाँ पर एक दो बच्चे इकट्ठे हो ही जाएं तो फिर मेरे सारे परिंदों की ना सख्ती आ जाती है। अभी सारा दाना फेंक दिया इसे, निकाल गया, बच गया ना, हम ना पहुँच जाते ना तो इसने दाना भी फेंक दिया था। इतनी ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं ना, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरफ ना ज़्यादा बच्चे आया ही ना करें, वरना फिर मेरे सारे परिंदे तंग हो जाते हैं। तो आज के जो ब्लॉग थे यहीं तक था, आज के ब्लॉग को करेंगे यहीं पर ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआ में यार। अगले ब्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।